राधे राधे दोस्तों दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन सी वो पांच चीज़ें हैं जो हमें धनतेरस पे लानी चाहिए और हमें उनकी अच्छे से पूजा वगैरह करनी चाहिए। तो दोस्तों देखो, हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ लाता है, लेकिन ये अगर हो सकता है तो सबसे पहले हमें चांदी या सोने का आभूषण ज़रूर लेके आना चाहिए, जो हमारे कुबेर देवता लक्ष्मी मैया के बहुत प्रिय है। और इसीलिए अगर देखो सोने का ना हो तो चांदी का, लेकिन लेके ज़रूर आइए। उसके बाद में दोस्तों है झाड़ू। झाड़ू हमारी लक्ष्मी मैया की का रूप है, तो लक्ष्मी माता की बहुत प्रिय है और इसी से देखो हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है। और अगर हम ये धनतेरस के दिन लाते हैं, इसकी पूजा पाठ करते हैं, तो पूरा साल भर तक हमारे घर में बरकत रहती है, धन धान्य से घर में वृद्धि रहती है और कोई कमी नहीं आती। और दोस्तों देखो तीसरा है खील पतासे। तो खील पतासे भी हमें धनतेरस के दिन पूजा में ज़रूर में यूज़ लेने चाहिए। तो देखो वैसे तो दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें धनतेरस के दिन लानी चाहिए, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल लानी ही चाहिए। तो अब देखो ये है धनिया। तो धनिया भी धन्वंतरी भगवान जी को चढ़ता है और धन्वंतरी हमारे जो है वो है औषधि के रूप, और ये भी धनिया जो है वो औषधि है, क्योंकि इसी से देखो हमारे कृष्ण भगवान को भोग लगता है, उनके लिए भी पंजीरी भी धनिया की हम बनाते हैं। और बाद में दोस्तों इसमें हम गुड़ मिला के, अब चीनी मिला के कुछ भी इसका हम पंजीरी वगैरह बना के अपना घर में खा सकते हैं। ये बहुत ही हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है और हमें पूजा में ये धन्वंतरी भगवान को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और दोस्तों उसके बाद में है कौड़ी। तो कौड़ी भी हमें ज़रूर लानी चाहिए, हमारे लक्ष्मी मैया को चढ़ती है। तो दोस्तों ऐसे तो देखो और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे दिए हो गए, दिए भी हमें मिट्टी के दिए ज़रूर लेके आने चाहिए। कुछ भी बर्तन हैं, बर्तन ऐसा लाइए जिसमें जल वगैरह डल जाए अच्छे से, और ग्लास हो गया जैसे, पतीला हो गया, इस तरीके से फिर हम इनकी अच्छे से पूजा करेंगे। तो कुछ ये चीज़ें हैं दोस्तों देखो जो हमें धनतेरस के दिन ज़रूर लानी चाहिए, इससे हमारा धन धान्य में कोई कमी नहीं आती। और प्रार्थना करनी चाहिए कुबेर देवता लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान, तो सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी ना आए।